हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अन्नू कुमार एंड अब हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2018 के एनवायरमेंटल स्टडीज के 30 क्वेश्चंस। जो यूपी टेट 2018 आज मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है उसमें 30 क्वेश्चंस आए हैं, उसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर 121, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास स्थल जो हैं नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं, जो कि पश्चिमी घाट में अवस्थित है, नीचे केरला और महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। तो आंसर है इसका सेकंड, पश्चिमी घाट। भारत में 122 नंबर, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? इसके एक क्वेश्चन पर डाउट है मुझे, इसमें मैंने उपयुक्त सभी आंसर फोर आंसर किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा पाया जाता है, इसका आंसर है पारा। क्वेश्चन नंबर 124, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस स्तर पर हुआ है? आंसर है थर्ड, दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिका के ऊपर ही पाया गया है। इसमें जो होल पाया गया है सबसे ज़्यादा ह्रास जो हुआ है ओजोन लेयर का, वो अंटार्कटिका में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? हीरालाल जे कानिया। क्वेश्चन नंबर 126, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्ति के करीब जीव, आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, कौन वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है? आंसर है रेखा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 128, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था है? आंसर है भाग 9-2, सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 130, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 73 का ग्रामीण से है, 74 का शहरी स्थानीय संशोधन से है, आंसर होगा थर्ड। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? आंसर है 4, सल्फर डाइऑक्साइड। भारतीय संविधान में विधि का शासन रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? आंसर है इंग्लैंड, थर्ड ऑप्शन। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करता है? आंसर है भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सेकंड। लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को कहा जाता है? आंसर 4, प्रश्नकाल। क्वेश्चन नंबर 135, वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल का जमाव और भंडारण, आंसर इसका है ऑप्शन 3। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? यह काजीरंगा नेशनल पार्क, असम। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह में सही संबंध है? ऑप्शन 1, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक। क्वेश्चन नंबर 138, कौन ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 139, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? आंसर 4, ऑप्शन 4, क्लोरोफिल। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, इसमें चारों ऑप्शन सही हैं, फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 141, यूफॉर्बियेसी फैमिली का कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करती है? आंसर जट्रोफा। 142 का आंसर तुलसी, 143 का आंसर पीने योग्य पानी पोर्टेबल वाटर, 144 का आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, 145 ऑप्शन फर्स्ट 5 जून आंसर सही, 140 एमएस स्वामीनाथन एक थे कृषि वैज्ञानिक, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में स्थित है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे सोख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं वातावरण से, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव कहा जाता है मृतक भक्षी, एंड तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा। ये थे यूपी टेट के 30 क्वेश्चंस, जो मेरे अकॉर्डिंग इनका सोल्यूशन दिया गया है। आप लोगों का जो भी सजेशंस है वो मुझे जरूर बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर की है प्रॉपर, अप्रोक्सीमेटली 99% करेक्ट है। सो आप लोग इसमें से अपनी मिलान कर लीजिए, चेक कर लीजिए आंसर। थैंक यू।